1886 पश्चिम जगत के एक बहुत बड़े लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी एक कहानी लिखी थी और उस कहानी का नाम था हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। उस कहानी में लेखक ने वर्णन किया था एक किसान का, पखोम नाम का वह किसान, बहुत मेहनती और जिसकी बहुत सारी जमीन थी, रोज खेती करता था और एक दिन उसके यहाँ एक सन्यासी आता है। वो सन्यासी उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहाँ जाना चाहिए, दूर बशकीर्स नाम की एक जगह है, वहाँ तुम जाओ, वहाँ पर ज़मीन बहुत सस्ती है। तो रात भर वो किसान सो नहीं पाता है। वो पखोम सोचता है कि मैं क्यों ना वहाँ चला जाऊँ जहाँ पर ज़मीन बहुत बहुत सस्ती है, और सुबह सब कुछ बेचकर वो उस स्थान पर पहुंचता है, वहां पर जाता है और वहां के लोगों से मिलता है। वो लोगों से पूछता है, यहां जमीन के क्या भाव है? वो लोग उसे कहते हैं, जमीन के भाव? यहां तो जमीन मुफ्त मिलती है, केवल एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि सुबह से लेकर तो सांझ तक तुम भागते रहो और जितना भागोगे वो जमीन तुम्हारी होगी। तो वो पखोम रात भर सोचता है कितना भागू और कितना नहीं, ऐसा अवसर फिर कब आएगा दोबारा। सुबह होती है, वो उस निर्धारित स्थान पर पहुंचता है, सारा गांव वहां पर एकत्र होता है और दौड़ चालू होती है। वो पखोम भागने लगता है, तेजी से भागने लगता है, क्योंकि उसके मन में था कि जितनी जमीन मैं ले सकूं ले लूं। भागते भागते दोपहर हो जाती है, उसे प्यास लगती है, परंतु सोचता है अगर पानी पीने रुक गया तो जमीन थोड़ी कम मिलेगी, इसलिए पानी की बोतल भी फेंक देता है। बाद में उसे भूख लगती है, परंतु सोचता है यदि मैं खाने के लिए रुक जाऊं तो क्या हो जाएगा, जमीन थोड़ी कम मिलेगी, टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वो भागते रहता है, भागता है और भागता है और भागता है और हाँफता है और भागता है और हाँफता है। उसे पता रहता है कि मुझे पहुंचना है सूर्यास्त से पहले वहीं उसी स्थान पर जहां से मैं निकला हूं। और एक समय आता है, दोपहर भी बीत जाती है, अब उसके मन में संकल्प आता है कि अभी मैं लौटूं, परंतु सामने की जो जमीन है वो कैसी है? बहुत सुंदर दिखाई देने लगी है। सामने की जो जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ है, बहुत ही उर्वर है। सोचता है थोड़ा सा और भागू, और फिर भागता है और फिर भागता है और फिर रुकता है। फिर मन में विचार आता है कि अब लौटना चाहिए, परंतु फिर देखता है सामने की जमीन कैसी है, थोड़ी और ज्यादा ही सुंदर है। ये जमीन अगर थोड़ी सी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए और भागता है और भागता है, भागता है और हाँफता है। और एक समय ऐसा आता है, लगभग 4 बज जाते हैं, सोचता है अब तो वापस लौटना ही चाहिए, लौटना ही पड़ेगा, नहीं तो पहुंच नहीं सकूंगा उसी स्थान पर जहां से निकला हूं, और अपनी रिटर्न जर्नी चालू करता है और तेजी से भागता है, क्योंकि अभी समय बहुत कम है और सूर्य उधर
अस्त होने वाला है, और जोर से भागता है और हाँफता है। और एक समय ऐसा आता है कि सूर्य अभी अस्त ही होने वाला है, परंतु देखता है कि गांव वाले दिखाई देने लगे हैं और वो सब उसे पुकार रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो अपनी गति को और तेज करता है, इतना जोर से भागता है, इतना जोर से भागता है कि जीवन में कभी ऐसा भागा नहीं होगा। और बस थोड़े ही फरलांग वो लकीर होती है जहां उसे पहुंचना होता है, उसके पहले धड़ाम से नीचे गिरता है और मर जाता है। उसका नौकर आता है और उसको दफनाता है। दफनाने के लिए जमीन, जितनी जमीन की आवश्यकता है, जो कि स्टोरी का टॉपिक था, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, अंतिम उत्तर उस कविता, उस स्टोरी में है 6 feet। गांव वाले कहते हैं, आज एक पागल फिर मर गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? उत्तर आप सभी जानते हैं, कहीं वो मैं तो नहीं, कहीं वो मैं तो नहीं, जीवन की इस अनंत यात्रा में हर मनुष्य ऐसा ही दौड़ रहा है। जीवन की इस यात्रा में हर एक की दौड़ भी लगभग ऐसी ही है कि मनुष्य भाग रहा है, हाँफता है और भागता है। एक पल के लिए हम सभी अभी अलर्ट होके बैठेंगे, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की शुरुआत करें, 2 मिनट साइलेंस और अपने ही जीवन को देखेंगे। प्रकृति के मध्य में विराजमान चेतना की वह तरंग, मैं हूं। स्थूल देह में विराजमान वह चैतन्य ज्योति, मैं हूं। देख रहा हूं स्वयं को और स्वयं के जीवन को एक दृष्टि, अब तक के इस जीवन में कहां मैं दौड़ रहा हूं, किस दिशा में, किस ओर, कौन मेरे साथी है, किसके मैं साथ हूं, किस लिए दौड़ रहा हूं, देख रहा हूं अपना संपूर्ण जीवन, बचपन से युवा तक। युवा से अब तक क्या लक्ष्य है मेरा,
कहाँ आ गया हूँ मैं। इस राह में कहीं भटक तो नहीं गया, कहीं ये समय तो नहीं पीछे लौटने का, कहीं मार्ग ही गलत तो नहीं। इस संकल्प के साथ मैं आत्मा आज यहां ठहरता हूं। पिछले 3 दिनों से आप लोग लगातार सुन रहे हैं, सुन सुन के थक तो नहीं गए? थक गए या चार्ज हो गए? चार्ज हो रहे, क्योंकि जो सुनाया जा रहा है वो कोई भाषण नहीं है, जो सुनाया जा रहा है वो शब्द नहीं है, जो सुनाया जा रहा है वह जीवन है, जो सुनाया जा रहा है वो जीवन के अनुभव है, जो सुनाया जा रहा है वह शुद्ध भावनाएं हैं आत्माओं के। हमें याद है एक संगीतज्ञ ने बहुत सुंदर बात कही है कहीं पर, वो लिखता है कि यदि मैं 3 दिन तक अभ्यास न करूं तो मेरे जो श्रोता है वो समझ जाते हैं कि इन्होंने 3 दिन अभ्यास नहीं किया है। यदि मैं 2 दिन अभ्यास न करूं संगीत का तो जो संगीत में विशेषज्ञ है वो समझ जाते हैं। यदि मैं 1 दिन अभ्यास न करूं संगीत का तो मेरे जो शिष्य है वो समझ जाते हैं कि मैंने अभ्यास नहीं किया है। और जब तक मेरी बात है, यदि मैं 1 पल भी अभ्यास न करूं तो मुझे ये समझ जाता है। जो बातें आपने यहां सुनी और जिन्होंने यहां सुनाई वो सभी वक्ता केवल स्पीकर्स नहीं थे, ये वो थे जिनके जीवन में प्रतिपल हर समय यह ज्ञान समाया हुआ है, घुल गया है, मिल गया है। उनका जीवन ही यह ज्ञान का जैसे प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसलिए हरेक की वाणी में एक दिव्य तेज है, हरेक की वाणी में एक दिव्य आकर्षण है, ऐसा आकर्षण जो किसी और कॉन्फ्रेंसेस में हमें देखने को, सुनने को, अनुभव करने को नहीं मिलता। क्या ये आपका अनुभव है? है? और जिस जगह आप बैठे हैं यह प्रांगण, ऐसा पवित्रतम प्रांगण जहां पर परमात्मा प्रेम की तरंगे हैं, जहां पर एक ओशन है ये पॉजिटिविटी का, तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम आप सबने पढ़ा, फ्लाइट ऑफ अलोन टू दी अलोन। ये यात्रा है अकेले की, अकेले की ओर। रोमन दार्शनिक प्लॉटिनस, या जिसको प्लॉटिनस भी कहते हैं, बहुत पहले उसने एक जगह लिखा था, किस अर्थों में लिखा था हमें पता नहीं, लाइफ इज बट द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। न्यू प्लेटोनिज्म को जिसने जन्म दिया था, ऐसा ये दार्शनिक उसका लिखा ये वाक्य। जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने सोचा था यदि अवसर मिला तो इस विषय पर जरूर कुछ चर्चा करेंगे, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये जो यात्रा है, ये जो फ्लाइट है, फ्लाइट ये शब्द है, इसके बहुआयामी अर्थ है, दौड़ कहो, उड़ान कहो, यात्रा कहो। तो ऐसी हम 7 फ्लाइट्स इन द लाइव्स ऑफ डॉक्टर्स,
एक चिकित्सक के जीवन में ऐसी सात कौन कौन सी वो उड़ान है जो वो भरता है। उसमें जो पहली उड़ान है वो बाहर की उड़ान है, और जो छह उड़ान है बची हुई वो आंतरिक है, एक बहिरंग एक और बाकी छह अंतरंग। जो पहली उड़ान है उसकी चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे, हमें जिस उड़ान की चर्चा करनी है वो आंतरिक यात्रा। तो पहली जो यात्रा है एक्सटर्नल फ्लाइट्स इन द लाइव्स ऑफ डॉक्टर्स वो कौन सी है, उसमें भी हमने सात बातें कही है, सोची है, जिसका हम ज़्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे, केवल बातें बताएंगे। और विस्तार जिसका हमें करना है वो है उस अंतरंग दौड़ का। तो जो एक्सटर्नल फ्लाइट है जहाँ हर डॉक्टर हर मनुष्य भाग रहा है वो क्या है, किस लिए है, उसमें सबसे पहली है द फ्लाइट ऑफ डिजायर। द फ्लाइट ऑफ डिजायर, इच्छा की दौड़, इच्छा की यात्रा। ये इच्छा की यात्रा ऐसी है कि मनुष्य को घसीटते हुए भगाती है, जैसे उस कहानी में वो किसान भाग रहा है। कहीं हमारी भी कुछ कुछ इच्छाएं हमें ऐसा ही तो नहीं दौड़ा रही है। दूसरी फ्लाइट है पद की। हम जब आए थे यहां पर स्टूडेंट थे, फिर इंटर्न बने, फिर पीजी स्टूडेंट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, फिर क्लिनिकल असिस्टेंट, कहीं एसोसिएट, फिर कंसल्टेंट, फिर फैकल्टी। पद की दौड़ है और ये निरंतर चालू है। जहां अभी हम है हमारी इच्छा है कि और कुछ और मिल जाए, यदि वो हो जाए तो शायद जीवन में संतोष, जीवन में आनंद, जीवन में खोया हुआ जो संगीत है वो लौट आएगा। तीसरी धन की दौड़, द फ्लाइट ऑफ वेल्थ। कितना भी पालो कम ही लगता है, और चौथी साधन की दौड़। जितने भी साधन मिल जाए ऐसा लगता है और मिले और मिले और मिले, और हम भाग रहे हैं इस दौड़ में। अगली मेडिकल नॉलेज है तो वो ज्ञान, पर उसकी भी एक अद्भुत सी दौड़ है, और ऐसी दौड़ है कि जिसे हम रोक ही नहीं पाते। हम ये नहीं कह रहे कि ज्ञान ना हो, परंतु वो दौड़ ऐसी है कि मनुष्य को दौड़ाती है, थकाती है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि एक तितली थी, और वो जो तितली थी एक ग्रंथालय में रहती थी, ग्रंथालय के बाहर, और उसकी ऐसी इच्छा थी कि बहुत बड़ी विचारक बन जाए। तो कभी कभी उस ग्रंथालय में चली जाती थी, वहाँ पर बड़े बड़े कवि और साहित्यकार आते थे, उनके साथ बैठती थी, और उनको देखकर उसको भी इच्छा होती थी कि मैं भी कुछ पढूं। और बाकी जो तितलियाँ थी उनके प्रति घृणा भाव था कि ये लोग विचारक नहीं है। उसने फिर वहाँ की किताबें पढ़नी चालू की, बच्चों की किताबें पढ़नी चालू की, और बाद में बड़ों की किताबों तक आई। दर्शन शास्त्र पढ़े तितली ने, फिलोसॉफीज की किताबें पढ़ी, और उसे एक दिन एरोडायनामिक्स की किताब पढ़ते पढ़ते एविएशन साइंस की, ये पता चला कि ये जो तितली के पंख है उसके शरीर से बहुत बड़े, इसके लिए तितली उड़ नहीं सकती। जैसे उसने वो पढ़ा उसे लगा मैं उड़ कैसे रही हूं, जबकि किताबों में तो लिखा है कि मैं उड़ नहीं सकती, मुझे उड़ना तो नहीं चाहिए, और उसका उड़ना बंद हुआ। फिर वो रेंगने लगी,
क्योंकि किताबों में लिखा है और किताबों में तो सत्य ही लिखा है, वो गलत कैसे हो सकता है। और एक दिन ऐसा होता है कि कोई एक पक्षी उसके ऊपर आक्रमण करता है। तब तक तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी होती है कि उसने उड़ना ही भूल गई है वो, क्योंकि किताबों में लिखा था। और जैसे ही एक दिन एक पक्षी उसके ऊपर आक्रमण करता है, वो तितली उड़ने लगती है और बाद में सोचती है, मैं उड़ी कैसे, ये तो विपरीत हो गया, किताबों में तो ये है ही नहीं। और फिर बाद में उसे समझ में आता है कि जरूर शायद कोई एक मेंटल ब्लॉकेज था और शायद उसी ने उड़ने नहीं दिया था। और तब से उसने वो शास्त्र पढ़ने बंद किए। जो मेडिकल नॉलेज हम ले रहे हैं, हमारी हर किताब में लिखा है, मेडिसिन इज एन एवर चेंजिंग साइंस, हम पढ़ते तो है परंतु पढ़ते पढ़ते इतना उसमें खो जाते हैं कभी कभी कि हमने हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में, वार्ड्स में ऐसी ऐसी डिबेट होते देखी है, वेदर इट इज अ प्री सिस्टोलिक मर्मर और वेदर इट इज अ पोस्ट डायस्टोलिक मर्मर। झगड़ रहे हैं, एक चालू कर रहा है मॉक्सीफ्लॉक्स, दूसरा चालू कर रहा है लिवोफ्लॉक्स, और दौड़ और ये संघर्ष। ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, अनुभव क्या है और लिखा क्या है, कहीं ना कहीं इसकी भी एक दौड़ है जिसमें हम इतने खो गए हैं कि वो आंतरिक यात्रा ही जैसे खो गई है। अगली दौड़ है, पहली बताई कौन सी, किसकी इच्छा, दूसरा धन, पद, प्रतिष्ठा। एक दौड़ है फेम की, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं और नाम हो जाए, जगत में नाम हो जाए, परंतु आंतरिक जगत में क्या चल रहा है इसका हमें पता नहीं। ये दौड़ ऐसी है, अगर एक नजर हम दौड़ाएं मेडिकल फ्रेटर्निटी में, हर एक चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, यहां पर मैं आगे रहूं। सोल इज इन्फिनिट, इन्फिनिट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनीथिंग विच इज फाइनाइट। इस संसार की कोई भी चीज आत्मा को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा अनंत है। कितना भी दे दो, कितना भी प्राप्त हो जाए, महात्मा बुद्ध ने लिखा है, कहीं कहा है, यह जो दौड़ है दुष्पूर है, कभी ना तृप्त होने वाली। फिर कहा था हमने साधनों की दौड़, और एक दौड़ है संबंधों की, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप, डॉक्टर स्टाफ रिलेशनशिप, डॉक्टर फैमिली रिलेशनशिप और डॉक्टर सोसाइटी रिलेशनशिप। क्यों ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, ये सारी ही दौड़, ये सारी ही उड़ान अगर एक दृष्टि से देखी जाए तो सब में हम अकेले ही हैं। और यहां पर हमारा कोई भी वास्तव में साथी नहीं है। इट इज द फ्लाइट ऑफ द अलोन, अकेला ही व्यक्ति दौड़ रहा है इस यात्रा में, और रुकने का कहीं नाम नहीं। एक साइंटिस्ट ने बहुत सुंदर चीज लिखी है एक जगह कि आई हैव स्पेंट माय लाइफ इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, I have spent my life in researching atoms and molecules, and towards the end of my life, I feel life has slipped through my fingers. A deep spiritual vacuum somewhere. I don't know what I have missed. I don't know what I lack. I have everything. I have wealth. I have such a big family. I have such loving people with me. And yet I feel that spiritual vacuum. And yet I feel that something has gone amiss, and something which was
very much necessary in life is not there. And I am lost. And I am lost. He writes, life has slipped through my fingers. What flight is this? Where we are rushing, where we are heading towards? Is this the goal of life? क्या जीवन का यही लक्ष्य है? आज सुबह हम एक बहुत सुंदर कविता पढ़ रहे थे. ये कविता हमें बहुत पसंद है, जिसमें एक चिड़िया है और उसका छोटा सा एक बच्चा है. इससे पहले कि हम उस आंतरिक यात्रा की ओर जाए, हमें लगता है ये कविता हम आप सबको सुनाएं, जिसमें एक चिड़िया का छोटा बच्चा है. हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई यह कविता. छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले, देखे पात और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात. माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया. वो छोटा सा बच्चा घोंसले से बाहर आता है और माँ से कहता है, ये सारे बाहर के दृश्य को देखकर क्या मुझे उड़ना आ गया है? माँ कहती है, नहीं, उसका नाम है चुरुगन, ये तू भरमाया है, ये केवल तेरा भ्रम है. तो उड़ना उड़ना अभी सीखा नहीं है, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी देखी कलगी, देखे फूल, ऊपर उठकर फूलनी जानी, नीचे झुककर जाना मूल. माँ क्या मुझको उड़ना आया. ये दूसरी अवस्था है चेतना की, जहां पर वो एक डाली से दूसरी डाली पर जा रहा है और उसको ये लग रहा है कि अब मैंने उड़ना सीख लिया है, परंतु माँ कहती है कि नहीं, ये तेरा भ्रम है. कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने व गाने के सब साथी देख रहे हैं तेरी बाट. माँ क्या मुझको उड़ना आया. माँ कहती है, नहीं चुरुगन तू भरमाया. चौथी अवस्था, उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो चुनकर लाता हूँ ठोक ठटोर. माँ क्या मुझको उड़ना आया. अभी एक झाड़ को छोड़कर दूसरे झाड़ पर जाने लगा है और फिर माँ से पूछता है कि माँ आप क्या मुझको उड़ना आया. माँ कहती है कि नहीं, अब भी तुझे उड़ना नहीं आया. तो वो उड़ना क्या है? लास्ट लाइन, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार पुकार, अंदर कोई कहता उड़ता जा पर मार. माँ क्या मुझको उड़ना आया. तब माँ कहती है, आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया. अब तक जो यात्रा थी वो बाहर की थी, अब आज जो हम यात्रा और जिस ओर हमें चलना है वो है अंदर की यात्रा. मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार पुकार, अंदर से एक पुकार आए, एक डिवाइन कॉल. अनलेस एंड अंटिल यू रिसीव दैट डिवाइन कॉल, यू कैन नॉट मार्च अहेड इन दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. मैं नीले गगन की, अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार पुकार, अंदर से कोई कहता है उड़ जा पर मार. माँ क्या मुझको उड़ना आया. माँ कहती है कि आज सफल है तेरे डैने, तेरे पंख आज सफल हुए, तेरी काया आज सफल हुई है, जा उड़. तो अंदर एक जो यात्रा है वो इसी उड़ान का नाम है. तो इससे पहले कि हम ये यात्रा चालू करें, फिर से हम एक मिनट के लिए स्थिर होकर बैठेंगे. लाल लाइट करेंगे. किस मोड़ पर आकर खड़ा हूं मैं और कहां भटक गया था इस जीवन में. शायद जिनको अपना समझ रहा था वो मेरे नहीं थे, ये मेरे अकेले की दौड़ है, ये मेरे अकेले की यात्रा है. इस बाहर की यात्रा को रोककर आज मैं एक आंतरिक
यात्रा को आरंभ करता हूं। इस पवित्र वातावरण में आज मैं ये संकल्प करता हूं, शुद्ध संस्कृति का यह द्वीप यहीं पर बैठ आज मेरे मन में यह संकल्प आ रहा है, अब मुझे रुकना है और चलना है अंदर। एंड आई वॉन्ट टू सर्च दैट इंटरनल वर्ल्ड where is lost that ecstasy of life, where is lost that pleasure, that super sensuous pleasure, where is that laughter, where is that rapture, let me turn back, let me disconnect to reconnect. I'm a spark of luminosity. I am a being of light, luminous light. Deep within, I see such a beautiful ocean of love. Such tranquility, such unprecedented powers within me. Let me harness them. Let me seek the treasure of my mind, the internal world, and then spread that across the world. Om Shanti. उड़ान, द फर्स्ट फ्लाइट, द फ्लाइट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आंतरिक फ्लाइट में 6 बातें हम देखेंगे, उसमें सबसे पहली जो फ्लाइट है वो है सेल्फ रियलाइजेशन पर। यहां आपने क्लास सुनी है उसके ऊपर। एक व्यक्ति था, 100वें मंजिल पर चढ़ गया और वहां से उसने दरवाजे बंद कर लिए और कहा कि मैं खुदकुशी कर रहा हूं और गिर रहा हूं नीचे, अमेरिका के किसी एक देश, इसी एक शहर में। लोगों ने नीचे से समझाया, बीच की जो मंजिलें थे वहां से चिल्लाकर कहा, रुको, ऐसा ना करो। उसने कहा, मैं खुदकुशी कर रहा हूं। बहुत समझाने पर भी वो नहीं रुका। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने झांक कर कहा, कम से कम अपने माँ बाप का तो सोचो। उसने कहा, मेरे कोई माँ बाप नहीं, वो मर चुके हैं। उस बूढ़े ने कहा कि कम से कम अपनी पत्नी का तो सोचो। उसने कहा, आई डोंट हैव एनी वाइफ। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कम से कम उसका तो सोचो जिससे तुम प्रेम करते हो, जो तुम्हारी प्रियसी है। उसने कहा, मैं प्रेम से घृणा करता हूं। मुश्किल हो गई उस व्यक्ति की, उस बूढ़े व्यक्ति की। उसने कहा, कम से कम अपना तो विचार करो। और उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जो खुदकुशी कर रहा था वह युवक। उसने कहा, अपना विचार, मैं अपने आप को ही नहीं जानता, मुझे यही नहीं पता मैं कौन हूं, मैं क्या अपना विचार करूं। अज्ञान से भरा जो जीवन है वहां पर आनंद कैसे हो सकता है, अज्ञान से भरा जो जीवन है वहां सुख कैसे हो सकता है। दुनिया को हमने जान लिया, सब कुछ हमने सोचा कि हम जानते हैं, परंतु क्या मैंने स्वयं को जाना, मैं कौन हूं। एक अमेरिकन फिल्म एक्टर ने अपनी जीवन कहानी लिखी है। उसने लिखा है कि आई हैव प्लेड सो मेनी रोल्स इन माई लाइफ, समटाइम्स आई एम हेलमेट, समटाइम्स आई एम रोमियो, समटाइम्स आई एम मैकबेथ ऑफ शेक्सपियर, एंड आई डू नॉट नो हु आई एम। इतने सारे रोल्स मैंने प्ले किए, इनमें से अब मैं कौन हूं, शायद मैं ही खो गया हूं। हर व्यक्ति के दो
व्यक्तित्व या दो आयाम है, एक तो वो जो दिखा रहा है वो दुनिया को, और एक वो जो वो वास्तव में है, स्प्लिट पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल स्किज़ोफ्रेनिया। He is not what he is showing off. Perhaps that is just a show. Perhaps that is just an exhibition. Perhaps he is not what he is in his heart of hearts. But he is masquerading. He is deceiving himself. He is deceiving his own conscience. क्या मेरा जीवन भी ऐसा ही तो नहीं हो गया है? जो सब कुछ मैं कर रहा हूँ दुनिया को दिखाने के लिए, तीन प्रकार के जो व्यक्तित्व बताए हैं, एक है दृश्य जो दूसरों को दिखाते हैं, दूसरा है दर्शक जो केवल देखते हैं और प्रभावित होते हैं। ना तो दृश्य ना तो दर्शक, नॉट द ऑब्जर्व नॉट द ऑब्जर्वर बट द डिटैच्ड ऑब्जर्वर, दृष्टा, वह जीवन का लक्ष्य है। क्या मैं वो हूँ या खो गया हूँ? व्यक्तित्व की इस खोज में, स्व की इस खोज में हमें यही नहीं पता कि मैं कौन हूं। और आप सबका यह सौभाग्य है कि आप इस भूमि पर आए जहां पर ज्ञान की ऐसी सरिता बह रही है कि आप इस प्रांगण में किसी भी व्यक्ति के पास चले जाओ, उन्हीं से नहीं जिन्होंने यहां बैठकर आपको सुनाया, किसी भी व्यक्ति के पास चले जाओ, वो वही ज्ञान सुनाएगा जो यहां बैठा हुआ व्यक्ति, जो आपको आज पिछले तीन दिन में जिसने सुनाया। क्या मैंने स्वयं को जाना है? Am I suffering from some split personality? तो पहली फ्लाइट जो है, और ये फ्लाइट भी अलोन से अलोन की तरफ है, जो झूठा व्यक्तित्व है उससे सच्चे व्यक्तित्व की ओर, ये भी यात्रा अलोन टू अलोन है। जीवन की संपूर्ण यात्रा भी अलोन टू अलोन है, इसमें कोई भी हमारे साथ नहीं है, मैं अकेला ही हूं इसमें। जब तक यह वैराग का भाव जागृत नहीं होता, अध्यात्म की क्रांति जागृत नहीं हो सकती। ये क्रांति केवल सुनने और सुनाने की क्रांति नहीं है, पढ़ने और पढ़ाने की क्रांति नहीं है, ये बोध क्रांति है। इट इज द रिवॉल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम ये आपसे नहीं कह रहे कि जो बातें आपने तीन दिन में यहां कही गई है उसको स्वीकार कर लो, नो नॉट एट ऑल, बट अंडरस्टैंड इट एंड देन ओनली एक्सेप्ट विद अ वेरी वेरी क्रिटिकल माइंड। Do not accept because somebody has said. Do not accept because such and such person has said. Do not accept because so-called personality has said. No. Judge for yourself. Test for yourself. See for yourself. Apply in your life and then see and then realize. And then this is the kranti, this is the revolution of understanding. Yah bodh ki kranti hai, na hi sunne aur sunane ki. To pehli jo daud hai, pehli jo yatra hai, pehli jo udaan hai, wo hai swa ki. Dusri jo udaan hai, wo flight of life realization, flight of ट्रुथ ऑफ लाइफ, सत्य की खोज। जीवन क्या है? जीवन का सत्य क्या है? क्या जीवन को जैसे मैंने समझा है वही सत्य है, या जीवन का कोई और आयाम भी है? इज देयर अ फर्दर अ न्यू डायमेंशन ऑफ दिस लाइफ? इज लाइफ द सेम एज आई हैव अंडरस्टूड इट, या जैसे मैं भाग रहा हूं वही सत्य है? छोटे बच्चों की एक किताब लिखी गई है, एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड में छोटी सी एलिस जो होती है वो एक खरगोश के पीछे पीछे भागती है, और एक छेद होता है, उस छेद में घुस जाती है, उस मांद में, उस खरगोश के, और एक स्वप्नलोक में पहुंच जाती है। सबने सुनी है एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी? बच्चों की कहानी है, परंतु कभी कभी बच्चों की कहानियाँ वो सिखा देती है जो बड़े बड़े शास्त्र नहीं सिखा पाते, बड़े बड़े दर्शन शास्त्री नहीं सिखा पाते, बड़े बड़े दार्शनिक और बड़ी बड़ी फिलोसॉफीज नहीं हमें सिखाते। उस कहानी में लिखाया है कि एलिस सुबह से आई है उस स्वप्नलोक में और भाग रही है, सुबह से भाग रही है,
और दिखाया है कि दूर वहाँ पर एक दरख्त एक झाड़ के पास रानी खड़ी है, क्वीन ऑफ हार्ट्स। उसके हाथ में बहुत सारे थाल है, उसमें मिठाइयाँ है। एलिस बहुत भूखी है, प्यासी है। वो रानी उसे पुकार रही है, एलिस कम हियर, एलिस कम हियर। एलिस भाग रही है, सुबह से भागना चालू करती है, दोपहर ही हो जाती है, पसीना पसीना पसीने से तरबतर। परंतु जो अंतर है वो उतना ही है। वो उस रानी से कहती है, रानी ये क्या हो रहा है, मैं सुबह से भाग रही हूं, मैं वहीं खड़ी हूं जहां पर हूं। तो रानी उसे समझाती है, एलिस शायद तुम तेज नहीं भाग रही हो, तेज भागो। तो वो एलिस तेज भागने लगती है, और तेज भागती है, और तेज भागती है, और तेज भागती है। शाम हो जाती है, एलिस थक जाती है सुबह से भूखी प्यासी, और कहती है कि रानी ये कैसी दुनिया है तेरी, व्हाट वर्ल्ड इज दिस ओ क्वीन। वो रानी कहती है, यहां पर या फिर किसी भी दुनिया में कोई भी कहीं पर भी आज तक पहुंचा नहीं है, केवल व्यक्ति भाग रहे हैं। Nobody has ever reached any other place. कहीं पर भी कोई नहीं पहुंचा है। क्या जीवन को जैसे मैंने समझा है वही जीवन का सत्य है, वही अंतिम सत्य है, या ऐसी भी कोई बात है जो मैंने अब तक नहीं जानी, और हो सकता है कि मुझे पश्चाताप करना पड़े कि जीवन में जो करना था वो नहीं किया, और वही सब कुछ करते रहे, वही सारी दौड़ और वही सारा विस्तार। जीवन की दौड़, जीवन के सत्य को जानने की दौड़, और एक विहंगम दृष्टि डाले तो इस दौड़ में भी मैं आत्मा अकेली ही हूं। इट इज द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। तीसरी दौड़, तीसरी उड़ान, द फ्लाइट ऑफ कार्मिक अकाउंट्स। कितनी आत्माओं के साथ हमने छोटे 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 छोटे, आपने यहाँ पर बहुत डिटेल में कर्मा क्लिंजिंग के बारे में सुना, क्रिएटिंग माइंड प्रोग्रामिंग सुना, अनरैवलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ माइंड सुना। जिन लोगों के हम संपर्क में हैं, उनके साथ हमारे कर्म बंधन है। ये कर्म बंधन मैं न्यूट्रलाइज कर रहा हूं या नए कर्म बंधन बना रहा हूं, स्वयं को चेक करना है। हाउ इज माई रिएक्शन, एम आई क्रिएटिंग फ्रेश बॉन्डेजेस, व्हाट आई एम डूइंग, हाउ इज माई रिएक्शन, व्हाट इज माई रिएक्शन, व्हाट इज द लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसी, व्हाट इज द लेवल ऑफ वाइब्रेशंस, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स आई हैव। पांच प्रकार के डॉक्टर्स के हमने रिलेशन आपको बताए, मेरे और मरीज के बीच किस प्रकार के वाइब्रेशन हैं, मेरे और नर्स के बीच किस प्रकार के वाइब्रेशन हैं, मेरे और दूसरे डॉक्टर के बीच, एक डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर। सुभाष मुखोपाध्याय के बारे में आपने सुना होगा, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। हिंदी में फिल्म बनी है एक डॉक्टर की मौत, मेडिकल फ्रैटर्निटी में राइवलरी, एक रिसर्च पेपर इसका वो दूसरे अपने नाम से पब्लिश करना चाहते हैं, ओरिजिनल पेपर। व्हाट सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स आई हैव फॉर अदर डॉक्टर्स व्हेन अ पेशेंट कम्स टू मी, व्हाट इज माय फर्स्ट रिएक्शन, ओ दिस डॉक्टर हैज गिवन एवरीथिंग रॉन्ग, दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट, नाउ यू हैव कम टू द राइट प्लेस, आई विल टेल यू नाउ, आई विल गिव यू द राइट मेडिसिन, दिस इज व्हाट हाउ दिस डिजीज नीड टू बी ट्रीटेड, दीज आर द फुलिश पीपल, दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट। व्हाट इज माई फीलिंग्स, व्हाट आर माई एटीट्यूड्स टूवर्ड्स अदर डॉक्टर्स, इज इट द फीलिंग ऑफ इल गुडविल, Is it the flow of love that goes out from my heart for all those who are around me, or I am filled with jealousy, comparative psychology? What is there in my heart? I need to check. What is my relation with my family? What is my relation with the society? All the five different types of relation. What feelings are there within me? Is there a subtle feeling of revenge? क्या है? स्वयं को देखना है। सिंहावलोकन हिंदी में शब्द है। सिंह जब चलता है तो पीछे मुड़कर देखता है। इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अकाउंटिंग, सेल्फ एनालिसिस। संसार को बहुत देखा, अब स्वयं को देखो। चेक ऑल दिस जर्नी। जैसे जीवन से मृत्यु तक ये जर्नी है, वैसे हमारी आत्माओं के साथ भी बहुत सारे हिसाब किताब है, उसकी भी एक यात्रा है।
कितनी सारी आत्माएं होंगी जिसको हमने दुख दिया, पीड़ा पहुंचाई, सताया, षड्यंत्र किए. What I have done with them? They have wronged me, I have wronged them. What I am doing now? One experiment which all of you should do tomorrow morning or from tomorrow morning is to emerge in front of your eyes all those souls whom you have wronged, whom you have hurt in your life, and ask for unconditional pardon. Then emerge another set of souls, those who have hurt you, those who have wronged you, those who have plotted against you, those who have cast aspersions on you, those who have censored you, those who have spoken against you, those who have blamed you, those who have tried to pull your leg. I am connected in a very subtle manner with all those souls. And the beauty of the soul is I have to forgive them. There was once a lady who was sexually assaulted by a person in America, and she was a surgeon. One day, the same person came to her on her operation table with a bullet injury, and it was her job to operate him. And she immediately recognized, this is the same man. She went to the church, she sat in front of Jesus Christ, and she got the divine vision from there, and Jesus Christ told her, just as I was crucified and I was on the cross, and I told, you see yourself as if you are on the cross and that man is in front of you, because they know not what they are doing. Forgive them. And this is the way of neutralizing that karmic bondages. Sukshma hai, bahut sukshma. Unko hame mukta karna hai. The fourth flight is flight of liberation. Flight of liberation. Mukti ki udaan. Har ek chahata hai ki hum mukt ho jaye. Hum wo mukti ki baat nahi kar rahe ki sharir hi chhod de. Yatsa dehi, yatsa janmi. Now, here in this body, whilst I am here in this body, to have the experience of liberation, liberation in life. Liberated from all the stress, all the worries. Look at the world. Go to the Mumbai and sit in that, stand in that Dadar railway station, and you see how people are rushing towards, and where they are rushing, they don't know, and what sort of stress and what sort of tension and what sort of mindset they have. They are just sweating, and just like that story, they're running and panting and running and panting and running and panting and running and panting. Is that the goal of life? What is the way of deliverance? Mukti. Yeh bhi ek yatra hai. Swayam ko un sari cheezon se mukt karna jo vyarth hai, jo negative hai, jo honi nahi chahiye, parantu jisko humne pakad rakha hai apni hi kisi ek kamzori ke karan, apni hi kisi ek asakti ke karan. Bastille, naam ka prison, 1789 French Revolution jab hua tha, tab us jail mein Bastille naam ka ek prison tha, ek fort tha, wahan par hazaron pachap लगभग 5000 कैदियों को बंद करके रखा था, और उनकी उनको हाथों में सलाखें थी और चाबी लगाई गई थी, और चाबियों को फेंक दिया गया था कभी, क्योंकि उनकी मुक्ति होने वाली नहीं थी. ऐसे कोई कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल से लोग वहां पर एज प्रिजनर्स पड़े हुए थे. और फिर जब 1889 में क्रांति हुई, क्रांतिकारी आए, और सबसे पहले उन्होंने उन सारे प्रिजनर्स को छुड़ाया. वो प्रिजनर्स कहने लगे, हमें मत छोड़ो. आश्चर्य लगा क्रांतिकारियों को, ये कैसे कह रहे हैं, क्योंकि उनको एकदम काले डार्क सेल में रखा हुआ था. कितने वर्षों से, 50 वर्ष 60 वर्षों से उधर ही पड़े थे, परंतु आश्चर्य लगा कि ये मना कर रहे हैं. परंतु फिर भी क्रांतिकारियों ने जबरदस्ती उन सबको छुड़ाया और उनको मुक्त किया. आधी रात होते होते सारे जो कैदी थे वापस जेल में आ गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, हमें अंधेरा चाहिए, अंधेरे की आदत पड़ गई है हमें, वो हमारे कफ चाहिए. वो कहाँ है हथकड़ियाँ, बिना उन हथकड़ियों के हम तो कुछ भी नहीं कर सकते. मनुष्य बंधनों से मुक्त तो होना चाहता है, परंतु उनकी आदत भी तो पड़ गई है. समवेयर इन द डेप्थ ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड दे डू नॉट वॉन्ट, एंड आउटसाइड दे कीप ऑन चैंटिंग एंड हार्पिंग ऑन द सेम टोन, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम.
but probably, perhaps, perchance, we ourselves do not want to get free. If the desire is real, the freedom is now and here. Agli kranti hai, agli flight. The flight of ultimate goal realization. The flight of goal realization of life. जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, उसकी उड़ान. जो कुछ मैंने पाया, क्या वही अंतिम लक्ष्य है? जैसे ट्रेन में कोई जा रहा है और उसे यही पता नहीं है ट्रेन कहाँ जा रही है, तो क्या करेगा? वो भुलाने के लिए कभी न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कभी किसी से बात करेगा, परंतु कुछ समय के बाद फिर से उसके मन में संकल्प तो आएगा कि मुझे जाना कहाँ है. जैसे एक फ्लाइट आसमान से जा रही है और उसमें अनाउंसमेंट होती है कि मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, फ्लाइट बहुत तेज़ी से जा रही है, फ्लाइट में कोई ख़राबी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, इसके लिए निश्चिंत रहिए, घबराने की कोई बात नहीं है, परंतु धरती से हमारा कनेक्शन टूट गया है और हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें पता नहीं. दिस वॉज द अनाउंसमेंट विच वॉज मेड इन द फ्लाइट. धरती से हमारा कनेक्शन टूट गया है एंड वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वी डू नॉट नो. Probably that plane is our life. What is the ultimate goal of life? क्या है जीवन का ये लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, अंतिम क्या है? ऐसे ही भागना 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 और एक दिन थक के रुक जाना. इस फ्लाइट में भी हर व्यक्ति अकेला ही है. एक शब्द है अकेला, दूसरा शब्द है एकांत. हमारा हम अकेला जब कह रहे उसका अर्थ एकांत से ज़्यादा है. नहीं तो अकेला का इंग्लिश में शब्द होता है लोनलीनेस. लोनलीनेस इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन. हम जो अकेला कह रहे उसका अर्थ है एकांत. एकांत मीन्स सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स वेयर द सोल फील्स इट्स ओन ब्लिसफुल नेचर. लास्ट फ्लाइट है द फ्लाइट ऑफ गॉड रियलाइजेशन. द फ्लाइट ऑफ गॉड रियलाइजेशन. हमने चालू किया था सेल्फ रियलाइजेशन से. सेल्फ रियलाइजेशन से गॉड रियलाइजेशन की ये जो संपूर्ण यात्रा है, इसमें हर मनुष्य अकेला है और ये यात्रा अकेले ही पार करनी है. बंधन हमने बनाए हैं और शायद ही वो बंधन ही कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. यहाँ आप आए, यहाँ पर आपने परमात्मा का संपूर्ण परिचय पाया. व्हाट इज गॉड? वो है क्या? सर्वोच्च सत्ता कहाँ वो रहता है? क्या उसका धाम है? क्या उसका रूप है? क्या उसका नाम है? संसार में आज तक भगवान की क्या क्या मान्यताएं हैं और उसका वास्तविक परिचय क्या है? जब तक जीवन में ये अभिप्सा नहीं जागती है कि भगवान कौन है, क्योंकि वास्तव में आत्मा की जो प्यास है, सबसे गहरे में गहरी प्यास, वो है उसको जानना, उस परम सत्ता को, उस परम शक्ति को. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में बहुत सुंदर वर्णन किया है. उन्होंने लिखा है कि मैं भगवान को खोजता था, कहाँ कहाँ खोजा भगवान को, इस सितारे पर, उस सितारे पर, यहाँ गया, वहाँ गया, सब जगह भगवान की खोज में, कभी यहाँ उसकी झलक मिली परंतु वो ना मिला. और एक दिन ऐसा आया कि खोजते खोजते एक जगह मुझे दिखाई दिया, ये भगवान का घर है. और बहुत मैं खुश हुआ और मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा. सीढ़ियाँ थी, ऊपर लिखा हुआ था गॉड्स होम एंड आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग द स्टेयर्स. और इतना खुश था, बस अभी पहुँचा दरवाजे पर और ठक ठक करने ही वाला था, दस्तक देने ही वाला था कि एकदम से रुक गया. और मुझे लगा यदि मैंने दस्तक दी और ये भगवान का ही घर निकला और भगवान वहां से आ गए, फिर मेरी खोज का क्या होगा? मुझे जो आदत पड़ गई है, यहां जाओ वहां जाओ, इस सत्संग में जाओ उस सत्संग में जाओ, इसको सुनूं, इस बाबा के पास उस बाबा के पास, इस आश्रम में उस आश्रम में, यहां जाओ वहां जाओ, ढूंढता रहूं, ये जो ढूंढने की आदत है उसका क्या होगा? फिर जीवन में मेरी जो लौकिक इतनी सारी इच्छाएं हैं, धन की, प्रतिष्ठा की, प्राप्तियों की, उनका क्या होगा? भगवान तो चाहिए था और भगवान के लिए ही मैं सब कुछ कर रहा था, भगवान को ही ढूंढ रहा था, भगवान का द्वार सामने है. उसे एकदम से डर लगा.
अपने जूते उतारे, हाथ में लिए ताकि भगवान सुन न ले, और चुपचाप पीछे मुड़ा और दबे पाँव से नीचे उतरने लगा, दबे पाँव से पीछे उतरने लगा और वहाँ से चुपचाप निकल गया। और आज कवि कहता है, मैं आज भी भगवान को ढूंढ रहा हूँ, सब जगह ढूंढता हूँ, परंतु वहाँ नहीं जाता जहाँ पर वो है। मुझे पता है वो यहाँ है, मुझे पता है वो यहाँ है, इसके लिए मैं वहाँ नहीं जाता, परंतु ढूंढना मेरा जारी है। सब जगह जाता हूँ, ये कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस, यहाँ से जाने के बाद, परंतु शायद अगली बार माइंड बॉडी मेडिसिन में आऊँगा कि नहीं आऊँगा, पता नहीं, शायद संभवता यही भगवान का घर तो नहीं। और यही भगवान का यदि घर हो तो मेरी खोज, मेरी जो दौड़ है, मैं उसका क्या होगा, मेरी जो इच्छाएं हैं उसका क्या होगा। समय पूरा हो रहा है, तो अभी ये जो हमने यात्रा बताई अलोन से अलोन तक की, हर एक की अपनी यात्रा है, और इसे ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, आप सब की, हम सब की यात्रा आज से चालू हुई है, इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ हम यहाँ से जाएंगे। और आशा करते हैं अगली बार जब यहाँ आएंगे आप, तो अपने साथ दूसरी बहुत सारी आत्माओं को यहाँ लाएंगे, और जैसे हम चार्ज हुए, जो हमने पाया उनको भी हम दिला सके। ओम शांति।